एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और अनदर ब्लॉग में। तो गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ, आठवां दिन है आज, और मैं जा रहा हूँ अभी सोयाबीन देखने, खेत पर ही जाऊँगा। और गाइस, पानी आ रहा है अभी फ़िलहाल में, अभी हम चलते हैं खेत। तो अभी देख सकते हो गाइस, हम जा रहे हैं अपनी KTM से, देख सकते हो ये रही हमारी KTM, और अभी हम जा रहे हैं खेत। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पे घास उगना स्टार्ट हो गई है और चारों तरफ खेत हरे भरे हो गए हैं, देख सकते हो। तो गाइस, अभी कुछ भी नहीं है, बाकी 8 से 10 दिन बाद पूरा यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखने लगेगा, बहुत खूबसूरत लगने लगेंगे हमारे खेत। तो अभी चलते हैं, ब्लॉग में बने रहे आप लोग। यहाँ पे देख सकते हो सड़क में पानी भरा हुआ है और खेत भी बहुत सादा गीला हो चुका है। अभी हम देखते हैं हम खेत पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है। हमारी साइकिल यहाँ से आगे तो जा नहीं पाई, पैदल जा पाते हैं या नहीं, तो चलते हैं। देख सकते हो गाइस, अभी हमने यहाँ पे आ चुके हैं और ये रही हमारी KTM। तो अभी हम जा रहे हैं खेत, यहाँ पे देख सकते हो ये बना है खेत के घर, और यहाँ पर कुआं तो मैंने दिखा ही चुका हूँ पहले वाले ब्लॉग में। तो अभी हम पानी भर चुका है सड़क में, यहाँ पे देखते हैं खेत में जाने लायक है या नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कीचड़ हो जाता है, काली मिट्टी है, तो बहुत ज़्यादा पैर चिपकते हैं इसमें, तो जा पाते हैं नहीं। तो गाइस, यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगा। अभी हम चलते हैं मेड़ मेड़ घूम के, गोल गोल थोड़ा दूर से जाना पड़ेगा, बाकी हम घूम के चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको सीधा सोयाबीन का खेत हमारा। अभी चलते हैं खेत सीधे, जस्ट खेत। अभी गाइस, मैं यहाँ पे खेत पर तो पहुँच गया हूँ गाइस। बहुत हवा चल रही है, जिससे कि थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पैर की क्या हालत हो गई है। यहाँ पे देखो, तो ये देखो गाइस, जूते बन गए चप्पल के, तो ये देखो मतलब इतनी भारी हो गई, 1-1 किलो की हो गई गाइस चप्पल। तो यहाँ पर देखो हमारा सोयाबीन, जो कि थोड़ा सा है लेकिन अच्छा है। यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है, यहाँ पे बीज गिर गया था, हमने मशीन में भरते समय यहाँ पे बीज गिर गया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा घना हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा अंदर चलता हूँ खेत के, ये देखो मैं थोड़ा अंदर आ गया, यहाँ से देखो क्या ही दिख रहा। तो गाइस, इसको हो चुके हैं 8 दिन हो चुके, ये बोया था हमने 26 तारीख को बोया था, और आज गाइस 3-4 तारीख है, हाँ 3 तारीख है आज। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको 8 से 9 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो, और अच्छी यहाँ पे बुआई हुई है, देख सकते हो। हमने बोया था गाइस ये 45 केजी 1 एकड़ में, मतलब 1 एकड़ के हिसाब से 45 केजी के हिसाब से बोया था, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो इसका पौधा है, प्लांट जो भी बोलते गाइस, तो उग चुका है अच्छे से, देख सकते हो। और हमने इतना ही लगाया था यहाँ पे, तो अभी देखते हैं फिर क्या करना है आगे। तो गाइस, अभी हमने सोयाबीन यहाँ पे देख लिया, एक आध रील बनाते हैं यहाँ पे और फिर हम चलते हैं यहाँ से वापस। अभी हम उस चाचा के खेत चलेंगे, फिर चलेंगे घर, जा उनकाते हैं फिर चलते हैं। आप लोग ब्लॉग देख रहे हो ना जहाँ से, तो कमेंट कर देना कहाँ से देख रहे हो, और लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, ठीक है भाई, समझ के ही कर दो यार, फिर मिलते हैं हम आगे ब्लॉग में। गाइस, अभी आ चुके हैं हम, देख सकते हो यहाँ पे वापस ये रही हमारी KTM, जो कि हम वापस आ चुके हैं खेत से। तो अभी चलते हैं हम घर वापस, क्योंकि गाइस बहुत मौसम हो रहा है, देख सकते हो
चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी अब, और बहुत ही बढ़िया व्यू आने वाला है यहाँ पे चारों तरफ। तो चलते हैं, आप लोग ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, भाई समझ के ही कर दो यार, एक बार तो कर दो। चलो गाइस, उम्मीद है आप लोग ने कर दिया होगा मेरे भाई समझ के। तो गाइस चलते हैं अभी हम घर वापस यहाँ से। ऐसा भी रोड का नजारा देखो कितना खूबसूरत है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर गाइस।